नमस्कार, सिटी पोस्ट लैब में आपका स्वागत है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है, समाज कल्याण विभाग के कई पूर्व अधिकारी भी शक के घेरे में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आज हमारे साथ पूर्व समाज कल्याण मंत्री रहे परवीन अमनुल्लाह जी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि आखिर विभाग में किस तरह की बातें चल रही थी, किस तरह का गालमेल चल रहा था अधिकारियों और एनजीओ वालों की। मैडम, ऐसा है कि ये इस तरह का कोई मामला मेरे हमको छोड़े हुए विभाग 4 साल हो गया और मेरे सामने ऐसे कोई मामले नहीं आए थे। हम लोग के समय में ना कोई कंप्लेंट इस प्रकार का कुछ आया था। होता है ना भाई, कंप्लेंट आएगा तो आप कार्रवाई कीजिएगा और बाकी तो मॉनिटरिंग और ये वो इसका ये शेल्टर होम्स वगैरह का ये तो विभागीय कार्य है। विभाग इसमें कितना कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन जब करते थे और उसमें कुछ मामला उजागर होता था और वो फाइल हमको आती थी तो हम तो बहुत सख्ती से इस पर पेश आते थे, बहुत ही सख्त कार्रवाई भी करते थे। कुछ कुछ मामला ऐसा था कि अगर मेरे लेवल का नहीं हुआ तो उसको हम ऊपर सीएम तक भी भेज दिए थे कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो यही होता रहा था। तो अनियमितता तो आती थी, ये तरह की नहीं, लेकिन आती थी। अगर उसमें कुछ वित्तीय हुआ, खरीद मामले में कुछ हुआ गड़बड़, या चयन मामले में हुआ, एनजीओ के चयन के मामले में हुआ, या अनुमोदन वो मॉनिटरिंग के मामले में हुआ उसके, तो ये सब मामले में जब होता था तो कई बार कुछ ऐसी अनियमितता हमारे सामने आई थी। जब फाइल आई तो हमने देखा कि वो इतनी क्लीन नहीं है और हमने फिर से उसको पुनर् प्रक्रिया के लिए हमने भेजा कि फिर से कार्रवाई की जाए, ये कहीं सही नहीं हुआ है। तो ये सब तरह की चीज़ें तो सामने आई थी। अभी जो अभी कांड हुआ है, जिस तरह से एनजीओ ने लूट खसोट मसाई है, जिस तरह से दुष्कर्म के मामले आए हैं, उसको किस तरह देखती है परवीन अमनुल्लाह? ये बहुत ही दुखद है कि ये जो बच्चियां सरकार के संरक्षण में हैं, सरकार के फुल कॉन्फिडेंस में, मतलब अभी उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि पूरे विश्वास के साथ लड़कियां हैं वहाँ पे कि हमको अच्छे से अच्छा यहाँ पे जगह है, सुरक्षित जगह है, हमारी सारी देखभाल होगी, और उसमें अमानत है सरकार के पास, और उस अमानत का ये लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसको उन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। ये तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाने वाली चीज़ हुई है और इसको इस पर तो जितना कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो कम होगी। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, पूर्व जो अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ की गई, आपको नहीं लगता कि सारे मामले में अधिकारी कहीं ना कहीं ज़्यादा दोषी हैं? हाँ, तो बिना अधिकारी के जाने हुए विभाग के थोड़ी कोई काम होते हैं। तो मंत्री अगर इसमें हैं, इसमें संलिप्त हैं या कुछ है, मंत्री का नाम आ रहा है तो विभाग भी इससे अछूता नहीं है। विभाग ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेंगे मंत्री और विभाग को जानकारी नहीं होगी, तो विभाग के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, फाइलों की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार ये उनको फ़ायदा पहुंचाते रहे लगातार और इस तरह से होता रह गया, उन बच्चियों के साथ इस तरह का कांड होता रहा। यानी सिटी पोस्ट लैब पहले से ये खबर चला रहा है, कह रहा है, लगातार हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो दोषी है खास करके उन्हें पकड़ना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, एक पार्टियां दूसरे पार्टी पर बयानबाजी कर रहे हैं और उनको इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य दोषी है सिटी पोस्ट लैब लगातार ये कह रहा है कि अधिकारी जिन्होंने एनजीओ बांटा, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कैमरामैन संजीव आर्या के साथ कुंदनकर्ण, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।